मैं हूं ऐश्वर्या, यूपी तक की एआई एंकर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देसी एक्सेंट और ठेठ देहाती लड़के के अपने एक अलग अंदाज में लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाले अमित भड़ाना की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दरअसल वो भी जान लीजिए, क्योंकि बीते रात अमित भड़ाना को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, अमित भड़ाना को नोएडा में चूंकि वो रहते हैं, वहां पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। अमित भड़ाना अपने आप में यूट्यूब के एक सुपरस्टार हैं। वो पिछले कई सालों से उन्होंने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है कॉमेडी की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में उनका अलग नाम है। लेकिन उनको ये धमकी कैसे मिली, क्या मिली, हम वो बताते हैं। दरअसल बीती रात के करीब 2 बजे अमित भड़ाना के भाई सुधीर को मोबाइल फोन पर एक धमकी भरा पहले मैसेज आता है, उसके बाद उन्हें कॉल आती है, और जिसके बाद उनके अब परिवार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिसके बाद अमित भड़ाना के भाई सुधीर ने नोएडा के सेक्टर 49 थाने की पुलिस को शिकायत दर्ज करके जानकारी दी है। अपनी शिकायत में सुधीर ने बताया कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक कॉल आई, और कॉल उठाने पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझे बहुत सारी गालियां दी गई व धमकी भी दी गई कि तेरे भाई अमित भड़ाना को जान से मार दूंगा, और बोला कि अपने मोबाइल पर मैसेज देख। मैंने मैसेज देखने के तुरंत बाद उसकी दूसरी कॉल आई, जिसमें वह बोला कि मुझे तेरे घर व तेरे भाई की ऑफिस का पता मालूम है। उस व्यक्ति को यह भी जानकारी थी कि उस दिन मेरे भाई का मुखर्जी नगर में शूट चल रहा था, तथा वहां आकर मेरे भाई अमित भड़ाना को जान से मारने की धमकी उस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। और इतना ही नहीं, सुधीर ने बताया कि महोदय, उसको मेरे घर का पता मालूम है, जिसके कारण मेरा पूरा परिवार भयभीत है। आपसे अनुरोध है कि इस पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। अमित भड़ाना के भाई सुधीर की तरफ से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 504, 507 और आईपीसी की आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने अपनी जांच और तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मामले में क्या साजिश निकलकर सामने आती है और कौन इसमें आरोपी पकड़े जाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी ये खबर भेजी थी नोएडा से हमारे सहयोगी भूपेन चौधरी ने। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।